हाय हेलो नमस्कार मुझे जसमंत आपको स्वागत करुच्छी विंग नो चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर रिटेल भिडियो आपको वेलकम करुच्छी। आज आम भिडियो कौन डिस्कसन करने जाऊे ना आम ओटी पॉलिसी 4070 पोस्ट पर मेनली रहा जो प्राक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आउ नर्सिंग एमसीक्यू पैटर्न आज आम डिस्कसन करा जाऊे। आउ ए भिडियो आपको मुझ नंबर गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारि आपको से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जाना तो तले जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु मुझे आप 100% रिप्लाय देवी। आदि भिडियो भल लगी निश्चिंत लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंग सहित आपंकर जोकोसी ग्रुप रहा सबुद्रे शेयर करूँ। आदि एपर्तंत चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जाए चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को ऑल रखु। आम टेलीग्राम आ व्हाट्सएप ग्रुप में जब जाकर जॉइन होना तो तले डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकर जल्दी जॉइन होता आ मत से किसी भी आपंकर क्वेरी रहा पचारि पारे। तो आपको भिडियो क्वेश्चन टी पचारी ये इमेज टी कौन बोली ठीक अच्छे। तो ये इमेज टी कौन बोली बहुत पिला कन्फ्यूज होकरी रंग आंसर दे तो जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना। देखो ये इमेज टी आम कौन ऑप्शन कौन देता ना ईसीजी मशीन कार्डियक मॉनिटर डिफिब्रिलेटर सेंट्रल मॉनिटर। तो बहुत पिला मन में कौन कन्फ्यूजन रोला ना कार्डियक मॉनिटर आउट सेंट्रल मॉनिटर। तो आर राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर हो यार कौन ना डिफिब्रिलेटर जोटा कि आमर कार्डियक जदि आमर किसी आमर आरिथमिया होची मेनली सही केस रे दिया जाए। तो डिफिब्रिलेटर देखूँ आर मेनली कौन रहा ना दुटा हैंडेल अच्छी ये देखूँ जोटा कि आमर सॉक देवर हेल्प करे। तो ये रहा तार मॉनिटर भाया तो यहाँ आम जमीक जो थे हार्ट रेट ये सब देखाए रेस्पिरेशन देन ये सब रहा तार कौन ना तार के जूल प्रोभाइड करवा सॉक पाई तो यहाँ भी सेठ आम रेगुलेट करवा। तो आर राइट आंसर कौन डिफिब्रिलेटर ठीक अच्छे। भाबुजी बहुत पिला भी राइट आंसर देते कि बहुत कम पिला रंग आंसर देते। तो भाबुजी जो मैंने रंग आंसर देते से निश्चिंत बुझीपारे। तो ठीक अच्छे आम आज जो टॉपिक रहा आज आम से भिडियो को डिस्कशन करवा। तो चलतु फास्ट क्वेश्चन को देखा। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन दे द एंटीडोट ऑफ पारासीटामोल पारासीटामोल रो एंटीडोट कौन आपन को कहबार अच्छी। देखो एमती एंटीडोट गोटे निहाती गोटे ओटी पॉलिसी क्वेश्चन आसे आप जानते देखो आर एंटीडोट पारासीटामोल एंटीडोट कौन ना डाइक्लोफेनाक ना साइक्लोस्पोरिन ना एन एसिटिल सिस्टीन ना साइक्लोफॉस्फामाइड। तो कौन कहला ना पारासीटामोल पारासीटामोल रो एंटीडोट। तो पारासीटामोल रो एंटीडोट आपने जानते हैं तो जल्दी तले कमेंट कर दिंतु ना वीडियो को देखो बिना स्किप करी। तो देखो पारासीटामोल एंटीडोट कौन आपको पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन एमती पचारे तो आपने मन रखुद पारासीटामोल एंटीडोट हो कौन ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज एन एसिटिल सिस्टीन जोटा कि आमर पारासीटामोल एंटीडोट हिसाब से यूज हुए। तो ठीक अच्छे भाबुच आपने बुझीपारे। तो देखो ये आम कौन देचे एक्सप्लेनेशन रे इंट्राभेनस एसिटिल सिस्टीन इज द एंटीडोट ऑफ ट्रीट पारासीटामोल ओवरडोज एंड इज वर्चुअली 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग लिवर डैमेज व्वेन गिभेन विदिन 8 hours अफ दि ओवरडोज। तो कौन कहला ना आमर जो पारासीटामोल ओवरडोज हो जाए अधिका हो जाए आपने जानते हैं पारासीटामोल आमर कौन ना लिभर को अफेक्ट कटे। तो जदि आमर लिभर पारासीटामोल ओवरडोज हो जाए तो सेटा लिभर को अफेक्टेड हेनी बोली ये आम एंटीडोट हिसाब से कौन मानते यूज हुए ना एसिटिल सिस्टीन एन एसिटिल सिस्टीन ठीक अच्छे। भाबुच आपने क्लीयर होते हैं आप डाउट नए क्वेश्चन में तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए 28-year ओल्ड मेल पेसेंट इज आडमिटेड टू हस्पिटाल फर ए सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर व्हाइल आसेसिंग द पेसेंट द नर्स वुड कीप इन माइंड दैट द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स सेरेब्रल स्टाटस इज। तो कौन कहला ना गोटे 28-year मेल पेसेंट आडमिटेड होती हस्पिटाल जार कि कौन है ना आम ब्रेन ट्यूमर हो तो जड़े नर्स कौन कले ना से पेसेंट को आसेस करने जाऊँ तो तार कौन आसेस करेंगे जहाँकि गोटे इंडिकेट कर कि हाँ तार गोटे ब्रेन में मे भी किसी कौन गोटे इंडेक्स जोटा रहा सेरेब्रल स्टाटस से कौन आसेस करेंगे। ऑप्शन देखु ऑप्शन कौन दे देखो ऑप्शन ए पिपिल रिस्पॉन्स देखिए ना डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखिए ना मसल स्ट्रेंथ देखिए ना लेवल ऑफ कॉन्शियस देखिए ठीक अच्छे। देखो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन तो आप मन में सब क्वेश्चन आसो जेहतु ब्रेन में ट्यूमर होने में निश्चिंत आसो कि पिपुल रिस्पॉन्स मसल स्ट्रेंथ कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स ए सब क्वेश्चन आसो कि ये राइट आंसर कौन हम ना ये कि नॉर्मली गोटे आसेसिंग करने को गोटे पेसेंट को। तो ये आम राइट आंसर कौन हम आप जानते हैं मेनली जो
किसी भी रोचे न्यूरो पेसेंट कि आम कहार ब्रेन मानते इंजुरी हेड इंजुरी होती तो मेनली आम कौन मानते कौ इंडेक्स कौ स्टाटस आम चेक करूँ जोटा कि रहा कौन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आम केमी चेक करूँ ना GCS जोटा रहा आम ग्लासगो कोमा स्केल तो से स्केल हिसाब से आम कॉन्शियसनेस को चेक करूँ ठीक अच्छे भाव आप बुझीपारे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 16 years old pregnant client. The client is taking an iron supplement. What should this client drink to increase the absorption of iron? तो कौन कहला ना जड़े नर्स अच्छा जेकि 16 वर्ष गोटे ओल्ड प्रेगनेंट क्लाएंट को मैंने कहूँ कि आईरन सप्लीमेंट कहा सहित नेबे जोटा कि इजी हम आब्जर्सन का सहित ड्रिंक करेंगे ठीक अच्छे भाजी आप क्वेश्चन टी भल से बुझुदू क्वेश्चन टाक बुझला आपको आंसर करने बहुत इज हम आखिंतु यही प्राक्टिकाल प्राक्टिकाल बेस्ट क्वेश्चन आपको निहाती ओ ट्रिपल एस दी चार्टा क्वेश्चन आपको निश्चय सियोर आसो तो देखो आर ऑप्शन कौन देखु ए कप ऑफ मिल्क सांगे आयरन खाइबे ना ए कप ऑफ आंटासीड सांगे आयरन खाइबे ना ए कप ऑफ वाटर सांगे खाइबे ना ए कप ऑफ ऑरेंज जूस सांगे आमर आयरन खाइबे तो देखु ये कौन दे आयरन सप्लीमेंट कहा सांगे नेबे कहा सांगे पीबे देखु ये ऑप्शन देती ऑप्शन भितर आपको आंसर बाछबार अच्छी तो जदि आपको जना अच्छी निश्चिंत तले कमेंट कर दिंतु मुझे आप 100% रिप्लाई देवी ठीक अच्छे तो देखो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ए कप ऑफ ऑरेंज जूस आपको कौन करार अच्छी ना ऑरेंज जूस को मानने सांगे नेबार अच्छी क्या सांगे ना आयरन सांगे तो आप मन आस आयरन सांगे आम मिल्क कहीं नवानी ठीक अच्छे मुझे से आप डाउट क्लीयर करदेवि जमा भी वीडियो को स्किप करूँ ना देखो तो कप ऑफ जूस रे कौन रहा आमर ना ऑरेंज रे विटामिन सी रहा ठीक अच्छे विटामिन सी आम कौन करे ना अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन रे आमको हेल्प करे हेल्प करे कौन पाई ना अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन आयरन अब्जॉर्प्शन ने आमको विटामिन सी हेल्प करथाय किंतु आमर मिल्क कौन करे मु आपनको कहि दउची देखंतु मिल्क कौन करे देखंतु एटी मु एक्सप्लेनेशन ने कहि दैची विटामिन सी इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाय चेंजिंग द फेरिक फॉर्म इनटू फेरस फॉर्म Fe2+ इट इज बेटर अब्जॉर्ब ठीक अच्छे आपण माने जानले कि विटामिन सी आमर कौन करे ना अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को बेटर कराए देखंतु एटी कौन होला ना सो आयरन शुड बी एडमिनिस्टर्ड विथ मल्टीविटामिन फ्रूट जूस साइट्रस फ्रूट जोड़ा कि रहा ऑरेंज लेमन एक्सेट्रा जो थे कि आम विटामिन सी पाऊ ठीक अच्छे आन रिच इन विटामिन सी जोटा कि आम विटामिन सी रहा से आम कौन हुए ना आयरन टा अब्जॉर्प्शन ठीक हो जाए आपण मन जोटा क्वेश्चन आसला कि मिल्क सांगे खाई देवानी देखो मिल्क सुड नेभर बी एडमिनिस्टर्ड विथ आयरन जमा भी मिल्क आम आयरन सांगे दि हेनी कौन पाई ना बिकज मिल्क कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम व्हिच चिलेट और टू ग्रास मेटालिक आयन इन ए रिंग सेप मॉलिक्यूल विथ आयरन एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन तो कौन कहला ना मिल्क जदि आम मिल्क को जदि आम मिसेकर देवा कौथे ना आयरन रे आयरन रे देले कौन हम ना ये कौन करे ना गोटे बाइंडिंग कर दिए गोटे मॉलिक्यूल गोटे रिंग फॉर्मेशन कर दिए बाइंडिंग कर दिए जोटा कि अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को कमे दिए आयरन जमा भी अब्जॉर्प्शन हुए ना तो से मिल्क प्लस आयरन आमको अवॉइड करिवार अच्छी आपण देखिथिबे आमर जेते बळे प्रेग्नेंसी टाइम रे निश्चिंत जानिथिबे कि आमर कैल्शियम जदि आमको टैबलेट गोटे प्रेग्नेंट लेडी को कैल्शियम आउ आमर कौन रुहे ना आयरन जदि आमको कैल्शियम आयरन गोटे प्रेग्नेंट लेडी को कि जहाँ को भी गोटे आडभइस होता है सब वे कौन आडभइस होता है फिजिशियन कौन आडभइस करते कि फार्मासीस्ट कौन आडभइस करते ना कैल्शियम को दिन में खाइबे आयरन को राति खाइबे जमा भी एका सांगे खाइबेनि तो से क्वेश्चन कौन पाई ना जेहेतु बाइंडिंग नेचर थाए जोटा कि आमर बाइंडिंग कैल्शियम आयरन बाइंडिंग होता कि आम आयरन अब्जॉर्प्शन करेबनि कैल्शियम तो से फिजिशियन मैंने एमती आडभइस करते भाजी आपचित बुझीपारे तो भाजपे आपने निश्चिंत बुझीपारे तो एमती भिड को देखापी चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ आज भिडियो भल लगी भिडियो को निश्चिंत लाइक करूँ आपंक सांग सहित तो निश्चिंत सेयर करूँ तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 कौन दे ना ए मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन कहला ना आम लार्ज इंटेस्टाइन गोटे मेजर फंक्शन ये ऑप्शन जो देर कौटा देखंतु सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ना रेगुलेट द रिलीज ऑफ बाइल ना रिमूव वेस्ट मटेरियल ना सीक्रेट
ୱାଟର ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ବ୍ଲଡ଼। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ମେଜର ଫଙ୍କସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ପାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଗୋଟେ ମେଜର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ରିମୁଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କୋଲନ୍, ଆମର ସେଠି ଫିକାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ରିମୁଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦ କୋଲନ୍, ରେକ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନସ୍। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ୱାନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଜ୍ ଫୁଡ୍ ନିୟର୍ସ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଜର୍ନି ଥ୍ରୁ ଦ ଆୱାର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଫୁଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସେସ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବଡି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ପୁପ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ, ଫୁଡ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆକାରରେ ବଡିରୁ ବାହାର କରିଥାଏ ଅଥବା ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିକେସନ୍ ଲାଗେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଡେଫିକେସନ୍ ହୁଏ। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ କଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଡିଂ କଲୋନ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ସିଗମଏଡ୍ କଲୋନ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରେକ୍ଟମ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ତା ଭିତରେ ରୁହେ ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଆସେଣ୍ଡିଂ କଲୋନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁଜୀ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଯାହାରକି ମେନ୍ ମେଜର୍ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ମାନେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ CSF ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟରେ କ'ଣ ନା CSF, ଯେଉଁଟାକି CSF ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ସେରେବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ତ ସେରେବ୍ରୋ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମର ଜଣ ଆଡଲ୍ଟରେ କେତେ ML। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ 50 ML ନା 300 ML ନା 500 ML ନା 150 ML, ଆଦରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 150 ML। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ CSF ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କେତେ ଆଡଲ୍ଟରେ ନା 150 ML। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ଦ CSF ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଜ୍ 90 to 200। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 90 to 200 ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରେ, ଯେତେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କି ଆମର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାରି କରେ, କି କାହାର କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ କେସ୍ରେ ଭ୍ୟାରି କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ 90 to 200 ଆମେ ମେନ୍ଲି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଧରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20% ଅଫ୍ ଦି CSF ଇଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ସ, ଦ ରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସବ୍ ଆରାକ୍ନଏଡ୍ ସ୍ପେସ୍, ଇନ୍ ଦ କ୍ରାନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କ୍ଲଏଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ନର୍ମାଲ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ CSF ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20 ML/h। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେତେ ରେଞ୍ଜ ନା 90 to 200। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ, ଆନ୍ସର୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି 150 ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ମେନ୍ଲି ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 150କୁ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଶୋଷ କରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟର୍ମରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଫାଜିଆ ନା ପଲି ୟୁରିଆ ନା ପଲିଡିପ୍ସିଆ ନା ଆପ୍ନିଆ, ତ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟ, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ କରେ ଆପଣମାନେ ପିଅନ୍ତି ପାଣି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲି ୟୁରିଆ ହେବନି, ପଲି ୟୁରିଆ ମାନେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁରିନେସନ୍, ଆପ୍ନିଆ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଡିପ୍ସିଆ କ'ଣ, ପଲିଡିପ୍ସିଆ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷ କରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ପଲିଡିପ୍ସିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଡିପ୍ସିଆ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ପଲିଡିପ୍ସିଆ ଇଜ୍ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନେମ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟିନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରେ ନା ପଲିଡିପ୍ସିଆ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ଲିଙ୍କ ଟୁ ୟୁରିନାରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜ୍ ୟୁ ଟୁ ୟୁରିନ୍ ଏ ଲଟ୍, ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ୟୁର ବଡି ଫିଲ୍ ଏ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁରିନେସନ୍, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି କଜ୍ ବାଇ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜ୍ ୟୁ ଟୁ ଲୁଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍
Fluids, these can include sweating during exercise, eating a high salt diet, or taking drugs that cause you to pass a lot of fluids such as diuretics. तो कहला ना देखंतु पॉलीडिप्सिया अमर केतेबेले हुए ना अमर जेतेबेले आमे अधिका डायबिटिक्स नोचे कि आमे जदी अधिका हार्ड वर्क करचे अमर स्वेट रे अमर जदी फ्लूइड लॉस होउची कि किछि भी अमर डिजीज रहउची जुरतिर कि आमे अधिका यूरिनेशन जाउचे तो सेथि पई कोन करे ना आम बॉडी अधिका फ्लूइड चाहे तो जदी हमको अधिका फ्लूइड दरकार हला तो हमको थर्स्टी लागिवो जोटा कि आमे कोन बोली कहू एक्सेसिव थर्टीनेस को जोटा कि अमर हला पॉलीडिप्सिया बाबूजी आपण माने क्लियर हेले बुझी पारले तो ठीक अछि देखंतु जोटा कि आमको अधिक परिमाण में शोष कर इमेज रे गोटे देखी तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देखु नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर ए नर्स इज एबाउट टू इनसर्ट राइल्स ट्यूब फॉर ए पेशेंट बिफोर दिस आर्ट सी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसिजर टीथ एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस तो कौन कहला देखु भल से क्वेश्चन टी पढ़ु मुझक जहाँ भी कही कौन कही जड़े नर्स अच्छा जी कि राइट्स ट्यूब इनसर्सन करने पेसेंट को प्रिपेयर करो पूर्व से कौन जानवा कथा ना केते डिस्टेंस इनसीजन टीथ आउ गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन यही दुटा भितर आम डिस्टेंस ठीक अच्छे जदि जना अच्छे आपको निश्चित तौर कमेंट कर दिंतु एमती बहुत क्वेश्चन आसे जोटा कि आम रहा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन तो देखु ऑप्शन कौन देती ना ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर ना 60 ना 90 ना 40 तो आ भितर राइट आंसर कोटा हबो देखु द राइट आंसर इज 40 सेंटीमीटर इनसीजर टीथ आमर कौन ना रहा जो गैसो और गैस्ट्रो ओसोफाजियल जंक्शन जोटा कि आमर जोटा कि ओसोफाग सरी आमर स्टोमाक आरंभ होमें कौन बोली कहू गैस्ट्रो ओसोफाजियल जंक्शन जोटा कि तार केते सेंटीमीटर रहिबो ना 40 सेंटीमीटर मुझे आपको देखई दूसरी आपण मैंने जमा भी भूलिबे नहीं गोटे इमेज भी गोटे कहीदी देखूँ इन आडल्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द इनसीजर टीथ टू द ओसोगैस्ट्रोटिक जंक्शन हाव बीन डिस्क्राइब टू बी इन द रेंज ऑफ 32 to 50 देती कि मोस्ट प्रोबेबली 40 सेंटीमीटर ही थाए कहार छोट थाए लेंथ कहार बड़ थाए कि मोस्ट प्रोबेबली आमर 40 सेंटीमीटर थाए कि यहाँ रेंजेस करे मेनली 32 to 50 सेंटीमीटर बिहार ठीक अच्छे मुझक इमेज टी देखे दूसरी इमेज टी देखु इमेज रे कौन देती देखु लेंथ इन सेंटीमीटर देखु आमर इनसीजर टीथ भितर केट हम आप भल से देखु ये आमर कौन रहा ना अपर जोटा रहा सेंट्राल इनसीजर देखु देन आमर ये सेंटीमीटर केमिटर में अवस्थित करूँ एटी रहा इनसीजन मुझक देखे दूसरी ये इनसीजन देन आप देखे दूसरी कौटा ना जंक्शन लोअर थोरासिक ओसोफेगियल आमर जो रहा जंक्शन अथवा इसोगैस्ट्रिक जंक्शन देखु यू आम केमिटर देखु ये 40 सेंटीमीटर ठीक अच्छे मोस्ट प्रोबेबली आम 40 सेंटीमीटर रुहे कि कहार टे मैंने कम थाए लेंथ कह रहा कम अधिका थाए ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे तो ये इमेज टी आप स्क्रीनशॉट कर रखुद आहाँ भी सब डिस्कसन करुँ जी लगुच यपर हेल्पफुल हम निश्चिंत आप गोटे खाता हो पेन हो कि ना मोबाइल नोट्स कर रखुद जमीक एग्जाम पूर्व टिके देखिबे आपण माने ओवरलुक करिबे आउ आपण एग्जाम देबाकु जिबे आउ एग्जाम को जेमदी फेस कर परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी तो आमर ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट ग्लैंड किए ठीक अच्छे ऑप्शन देखु पानक्रियाज ना लिवर ना स्प्लीन ना गॉल ब्लैडर तो कौन कहला ना ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट ग्लैंड ग्लैंड आमर किए लार्जेस्ट तो राइट आंसर ये कौन हम राइट आंसर इज लिवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड मन रखु लार्जेस्ट देनी खाली लार्जेस्ट ऑर्गन की कौन लार्जेस्ट ग्लैंड देती ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हो लार्जेस्ट ग्लैंड जो देती आम रेड हम लिवर राइट आंसर ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आपण अच्छी आपंकली 9 नंबर में गोटे क्वेश्चन पचार तो देखु ये क्वेश्चन टी कौन आइडेंटिफाई दिस इमेज बिलो तो ये इमेज टी कौन आपको कमेंट करार अच्छी देखु ये इमेज रे कौन दे भल से देखु कमेंट करूँ तो सब पिला धन्यवाद जो मैंने कि आमर ये वीडियो सेक्शन में जो पचरा क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करूँ तो ठीक अच्छे देखु ए आर कमेंट करूँ आर राइट आंसर कौन हम तो मुझे ऑप्शन टी देखे दूसरी देखो इमेज टी आप भल से देखु आउ ऑप्शन टी देखे दूसरी
ऑप्शन ए वेंटिलेटर मशीन ना ईसीजी मशीन ना अल्ट्रासाउंड मशीन ना एमआरआई मशीन। ठीक अच्छे भावुची बहुत पिला ठीक आंसर देते जमा भी कन्फ्यूज होना भल से देखु आंसर करूँ ना मुझक नेक्स्ट भिडियो कहीदेवी जमा भी ओरीड हूँ ना तो देखो भल से इमेज टी बैक कर देखु देन आपण मैंने कमेंट करूँ नौ नंबर राइट आंसर आपन को कमेंट करिवार अछि। ठीक अछि तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा दस नंबर कौन देछि ना इन जनरल एनेस्थेसिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन डिसअपीयर लास्ट। तो कौन कहला ना गोटे जनरल एनेस्थेसिया रे आमर को ये जो चारोटी ऑप्शन देछि ता भितर कोटा आमर लास्ट रे डिसअपीयर हुए माने कोटा आमर लास्ट रे हुए देखंतु ऑप्शन भले से पढंतु पीपल रेस्पन्स ना कॉन्शियसनेस ना हियरिंग ना पेन रेस्पन्स ये क्वेश्चन कौन देखा आप भले से पढ़ु कौन कहला ना जनरल एनेस्थेसिया रे को सेंसस्टा को सेंसेशन टा आमर डिसअपीयर हुए लास्ट रे जाके। ठीक अच्छे क्वेश्चन बुझे ए राइट आंसर जो जना अच्छे निश्चित दल कमेंट कर दिंतु तो आर राइट आंसर कौन हम राइट आंसर इज हियरिंग। ठीक अच्छे तो किसी वोमेन मानक जो सीएस हुए सीजोरियान सेक्शन हुए जो एनेस्थेसिया भी दिहाई थाए सी सीना पेन जापारे कि पीपल तर रेस्पन्स कैनि कन्सीयसनेस भी न था कि हियरिंग कैपासीटी जमा भी जाए न था जोटा कि लास्ट को जाए से शुपारती डक्टर कौन कथ कि स्टाफ नर्स मैंने नर्सींग अफिसर मैंने कौन कथ तो यहाँ आपण मैंने यही भाव मन रखिपारे तो देखो कौन जाए ना हियरिंग आमर लास्ट रे जाए डिसअपीयर लास्ट। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ एगार नंबर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स बहुत थर आपंथ मेनली ये केसटा कौन ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक अच्छे तो जदि आपन को आर माने जाना अच्छे तो निश्चित भाव कमेंट कर दिंतु तो देखो थ्रोम्बोसाइटो मैंने मैंने कौन देखो इनक्रीज प्लेटलेट काउंट ना डिक्रीज प्लेटलेट काउंट ना नॉर्मल प्लेटलेट काउंट ना लोअर हिमोग्लोबिन कौन दे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मैंने कौन। ठीक अच्छे देखु आर राइट आंसर हम कौन ना डिक्रीज प्लेटलेट काउंट दैट इज ऑप्शन बी कौन कहला ना आमर प्लेटलेट काउंट जितेबले डिक्रीज हुए बा कमी जाए आम कौन बोली कहू ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोली कही था। ठीक अच्छे देखु तार एक्सप्लेनेशन में आपको भले से बुझेदेवी जमा भी वीडियो को स्किप करूँ ना लास्ट जाए वीडियो को देखो देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मली लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन आज थ्रोम्बोसाइट्स इन द ब्लड कौन कहला ना आमर थ्रोम्बोसाइट्स जो रोहे ब्लड रे सेटा आमर कमी जाए इट इज मोस्ट कॉमन कोआगुलेशन डिजॉर्डर एमंग द इंटेंसिव केयर पेशेंट एंड इज सीन इन 20% ऑफ मेडिकल पेशेंट एंड ए थर्ड ऑफ सर्जिकल पेशेंट कौन कहला मेनली एटा इंटेंसिव केयर जो पेशेंट मैंने थाए कौन करला ना तर मेनली थ्रोम्बोसाइट्स जो रहिला आमर तो सेटा कमी जाए जोटा कि आम कौन बोली कहू ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो थे कौन हुए ना आमर थ्रोम्बो आमर प्लेटलेट काउंट कम हुए। ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे जितेबाद आम प्लेटलेट काउंट कम है आम कौन बोली कहूँ ना डिक्रीज प्लेटलेट काउंट अथवा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मेनली कौन हुए ना आमर बहुत जगार ब्लीडिंग हुए जोटा कि बहुत पेनफुल आमर ब्लीडिंग होता है। ठीक अच्छे तो देखो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बार नंबर कौन दे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज दैट कैन कॉज ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क कौन कहला ना आम इन्फेक्टेड मिल्क द्वारा कौ डिजीज आ भितर होता है ऑप्शन देखो आंथ्राक्स ना टॉन्सिलाइटिस ना गैस्ट्राइटिस ना रिमाटिक फेवर तो आ भितर कौटा राइट आंसर तो देखो कौन दे इन्फेक्टेड मिल्क द्वारा आमर कौ डिजीज होता है आर राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए आंथ्राक्स आंथ्राक्स आमर कौन हुए देखूँ मुझे कही रखुची आंथ्राक्स इज ए सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नोन आज बैसिलस आंथ्रासिस इट अकर्स नेचुरली इन सॉइल एंड कॉमनली अफेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड पीपुल कैन गेट सिक विथ आंथ्राक्स इफ दे कम इन कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स और कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट कौन कहला ये एनिमल प्रोडक्ट जदि आम कि यूज करुचे जो जार कि कौन है ना जी कि आमर बैसिलस आंथ्रासिस बैक्टीरिया द्वारा अफेक्टेड होती तो आमको कौन हम ना आंथ्राक्स हम तो ये कौन दे इन्फेक्टेड मिल्क कौन आमर गोटे काउ मानर गोटे प्रडक्ट तो से आमको कौन हम ना आंथ्राक्स हम। ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर इफ कैल्शियम लेवल लेस देन 5 mg तो कौन कहला आमर जदि कैल्शियम लेवल 5 mg% अच्छी इट अकर्स ड्यू टू अबनॉर्मलिटी ऑफ व्हिच हार्मोन तो जदि आमर कैल्शियम लेवल 5 mg माने आमर कम अच्छी तो कैल्शियम लेवल जदि कमुची बॉडी रे आमर को हार्मोन आ पई माने दाई ठीक अछि को हार्मोन रो अबनॉर्मलिटी पई आमर कैल्शियम लेवल टा कमे हाइपरथायरॉइडिज्म ना हाइपोथायरॉइडिज्म ना हाइपरपैराथायरॉइडिज्म ना हाइपोपैराथायरॉइडिज्म ठीक अच्छे भल से देखु बहुत कन्फ्यूजिंग आटा निश्चिंत जो आंसर जना अच्छी निश्चिंत तले कमेंट कर दिंतु तो आम कैल्शियम टा कौन पाई कमे कौ हार्मोन रबनर्मालीटी कमे आंसर कौन हम ना हाइपोपैराथायरॉइडिज्म आमर जो पाराथायरॉइडिज्म आम कमी जाए बॉडी रे हार्मोन सिक्रेशन कमी जाए बॉडी रे आमर से कौन हुए ना कैल्शियम लेवल भी कमी जाए ब्लड रे ठीक अच्छे तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म कौन देखु देखु पाराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस पाराथायरॉइड हार्मोन व्हिच प्लेज ए की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड पर्सा इज कैल्शियम लेवल्स आर इंपोर्टेंट इन द बॉडी सिंस स्मॉल चेंजेस कैन कॉज मसल एंड नर्व प्रॉब्लम तो कौन कहला ना आम पाराथायरॉइड हार्मोन कौन करे ना कैल्शियम को मेंटेन करे बा कैल्शियम को रिलीज करे जोटा कि कौन हला ना जदि आमर कमी गला कैल्शियम लेवल बॉडी रे तो मेनली कौन करे ना बहुत इफेक्टेड कराए जोटा कि आमर रहला नर्व को आ मसल को ठीक अच्छे बाबूजी आपण माने बुझी पारले नेक्स्ट देखंतु एटा रहला आमर थायरॉइड ग्लैंड जोटा कि आमर बटरफ्लाई शेप रो नेक रे अवस्थित देखंतु तापर कोन दैछि ना पाराथायरॉइड ग्लैंड जोटा कि आमर ता बैक रे अवस्थित चारिटी पाराथायरॉइड ग्लैंड जे कि पाराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन करे से कौन करे ना कैल्शियम लेवल को नियंत्रण करे जदि तार हार्मोन जदि आमर डेफिसिट हैला देन आमको कैल्शियम बॉडी रे लॉस हुए ठीक अच्छे बाबूजी आपण माने बुझी पारले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 14 नंबर गोनाड मीन्स तो गोनाड माने कौन सालाइवरी ग्लांड ना सिबासियस ग्लांड ना स्वेट ग्लांड ना टेस्टिस एंड ओवरी तो गोनाड माने कौन आपन केटी बतेबार अछि देखंतु गोनाड कहले आपन माने प्राय पढ़िथिबे गोनाड गोनाड्र पेन कि जहाँ भी हेले पढ़िथिबे मेनली कौन कोथिरे आपन गोनाड पढ़ंती ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे जोटा कि गोनाड माने कौन ना देखंतु एटी राइट आंसर हबो टेस्टिस एंड ओवरी तो गोनाड माने कौन मु आपनको बुझै दउछि देखंतु गोनाड इज जूलोजी प्राइमरी रिप्रोडक्टिविटी ग्लांड दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल अथवा गैमेट्स इन मेल्स द गोनाड आर कॉल्ड टेस्टिस एंड द गोनाड फीमेल इज कॉल्ड ओवरीज तो गोनाड कहले आमर गोटे रिप्रोडक्टिव ग्लांड जे कि आमर रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करे ठीक अच्छे बाबूजी आपण मैंने बुझीपारे तो मेल रि गोनाड रहा आमर कौन ना से टेस्टिस आदि फिमेल रहा हूँ ओवरी जोटा कि आम रिप्रोडक्टिव सेल तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 15 नंबर ए प्यारट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर पर्सन इज कॉल्ड तो कौन कहला आपण मैंने जानते क्वेश्चन भी भलसे पढ़ु मनकर मुँ कहली गोटे शुआ ये कौन देखिए प्यारट गोटे शुआ को जब मुँह कहली खाइलु सी मत रिटर्न कर रिपीटेडली मुझ कहली ए खाइलु तो यही कथाटा को जब गोटे पर्सन कै जदि पर्सन कहे मनकर गोटे पर्सन को आपड़ कहले कड़े जाऊ जदि सी आपको कहला यही कड़े जाऊ तो यहीटार माने कौन आपको यदि बटेबार अच्छी तो ऑप्शन देखु एटा एनमेन्समेंट कि नेगोलिज्म कि इकोलालिया ना इकोप्राक्सिया ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम जदि जना अच्छी निश्चिंत कमेंट करूँ कौन दे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर पर्सन ठीक अच्छे राइट आंसर ये हम कौन ना इकोलालिया इकोलालिया इज द राइट आंसर तो देखो इकोलालिया माने कौन मुझे बुझे दूसरी देखो साइकेट्रिक रे मेन प्रॉब्लम टी देखा जाए जोटा कि साइकेट्रिक डिजर्डर देखो मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड्स आज ए सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक डिजर्डर रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय ए चाइल्ड लर्निंग टू टॉक तो कौन कहला आमर जो मीनिंगलेस रिपीटेशन कहू गोटे अलग पर्सन जहाँ को कहला आम से भी कहू तो आम कौन बोली कहवा ना इकोलालिया ठीक अच्छे भाबूजे आप बुझीपारे तो ठीक अच्छे यहाँ थी आज भिडियोर लास्ट क्वेश्चन तो यही भिडियो आम आपं आसबू जमा भी व्यस्त हूँ ना एमती आमको सपोर्ट करूँ आपने देखी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आमको एमती सपोर्ट करूँ आम आपको यही इंटरेस्ट भिडियो प्रोवाइड करूँ तो ठीक अच्छे जदि भिडियो भल लगे आपको निश्चिंत लाइक गोटे करूँ वीडियो को कमेंट करूँ आप सांग सहित आप ग्रुप से शेयर करूँ आदि एपर्तंत चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को एवं दबातु आ चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो यही इंटरेस्टिंग वीडियो मुझ आगामी नेक्स्ट वीडियो नहीं आस
ଆସୁଛି ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।